फाइनली क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, लेकिन इंडिया की सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज थे कि इंग्लैंड को सपोर्ट करना है पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, क्योंकि इंग्लैंड ने 200 साल तक और पाकिस्तान के साथ दो जंगें लड़ी रखी है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे। लेकिन फाइनली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्रोल वाली ट्वीट करके कंफ्यूजन दूर कर दी कि भैया सपोर्ट तो इंग्लैंड को ही करना है। और उसी का परिणाम स्वरूप अगर आपने मैच देखा हो तो कमेंटेटर जितने भी थे, आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह, सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड को। उनकी बातों से पता चल रहा था, अब हर चीज बोली नहीं जाती लेकिन समझी जाती है। तो उसी चीज पे आज की आरजे रौनक की वीडियो आ रही है, हंसते हंसते मजे मजे सेलिब्रेट करते देखते आज की वीडियो। आपको मिक्स सेशन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और एक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। देखो हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आज आप लोग बोलेंगे, और बोलेंगे क्या, कमेंट करेंगे, YouTube कमेंट कर रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बहुत बड़ी सूची है, तो ब्लैंक्स करेंगे। बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर कि पाकिस्तान की क्या है, बोलो वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशल रणतंत्र, और एक मिनट कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब बारी बारी से हंसेंगे। और भाई पाकिस्तानियों आगे सोच के चबूतरा हो गई होगी आज सब। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सर आज आप ट्वीट नहीं करेंगे स्कोर के साथ कि कौन जीता और कौन हारा, बनाने चले थे 1992 का रिपीट, हो गया 1999 का रिपीट। इमरान खान साहब वीडियो बनाओ और बताओ कि आपने सबसे पहले घबराना, ऐप तो बिल्कुल नहीं है, और तो बहुआ से चुम्मी ले लो, क्या खिलाड़ी हो यार आप, आपकी वजह से कम एक इंडियन ऋषि सुनक तो ट्रॉफी को छू पाएगा। हाँ माइकल वॉन का तो भैया बकैती थोड़ा सुनना पड़ेगा हमको, लेकिन सह लेंगे थोड़ा, शोएब अख्तर की बकैती सुनने से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान की तरफ से कई सारे लोग बोलेंगे कि अरे हम कम से कम 10 विकेट से तो नहीं हारे। भाई आप लोग धोनी की एक बात सुन लो, व्हेन यू डाई यू डाई, यू डोंट सी व्हिच इज अ बेटर वे टू डाई। कहने का मतलब है कि आप हारे हो, सेमीफाइनल में हारने वाला भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, फाइनल में हारने वाला भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, इसलिए फालतू की बकैती करना बंद करो और सच सच बताओ। तो मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान की शुरू में ही चिरी फटी की जय हो गई, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत तो आप जानते हैं, नीदरलैंड की साउथ अफ्रीका पर जीतने इसके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोले थे, उसके बाद ये फाइनल शुरू होने से पहले तक इंग्लैंड ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी नो बॉल नहीं करी थी। लेकिन किस्मत देखिए, पाकिस्तान की फाइनल की पहली ही गेंद इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने नो बॉल करी, कायदे से पाकिस्तान को फ्री हिट नहीं मिली बल्कि फाइनल में ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिल गया। लेकिन सैम करन ने कहा ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, रिजवान को पहली फुर्सत में रवाना करके सैम करन ने इंग्लैंड को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था। इंग्लैंड ने पावर प्ले में पाकिस्तान के पर वैसे ही काट दिए थे जैसे इंडिया के काटे थे। सेमीफाइनल में इंडिया वाले इंग्लैंड के खिलाफ पावर प्ले में 38 एक विकेट के नुकसान पर बना पाए थे, पाकिस्तान ने 39 बनाए उतने ही विकेट खोकर। इसके बाद जो हमें समझने को मिला वो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक देश तो अलग बना दिया, लेकिन उस देश में भी इंडिया की तरह ऐसा कोई नहीं था जो आदिल राशिद को खेल सके। लेग स्पिनर इस टूर्नामेंट की जान रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि इंडिया की तरफ से चहल पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, लेकिन आदिल राशिद ने इंग्लैंड की बड़ी मदद करी। पिछले मैच में इंडिया के एक्स फैक्टर सूर्य कुमार यादव आउट करने वाले आदिल ने इस मैच में पाकिस्तान के एक्स फैक्टर मोहम्मद हैरिस को आउट किया। इसके बाद उनकी एक बहुत ही बेहतरीन गुगली बाबर आजम को आउट कर गए। इसके बाद तो पाकिस्तान वाले ऐसे पैनिक हुए जैसे चाइना ने उनको लोन चुकाने के लिए बोल दिया, उनकी 1992 वाली थ्योरी की बत्ती बनाकर इंग्लैंड ने उनको वापस पकड़ा। सैम करन तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड कप में बेहतरीन नजर आए हैं, फाइनल में उन्होंने मात्र 12 रन देकर 3 विकेट लिए। अगले महीने होने वाले आईपीएल ऑक्शन में ऑलरेडी उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में कई करोड़ रुपए जोड़ दिए हैं ब्रो। पाकिस्तान की डेथ ओवर में बल्लेबाजी इतनी खराब थी कि मुझे हैरानी हो रही है कि इमरान खान ने आपने पहले तो घबराने नहीं ये वाला वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया। हमारी तरफ से तो फिर भी हार्दिक पंड्या चल गए थे, पाकिस्तान की तरफ से तो सारे के सारे नल्ला पाव साबित हुए। इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सिर्फ 138 का टारगेट मिला, 138 का टारगेट देखिए कुछ नहीं होता, और इंग्लैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी यूनिट के सामने तो कुछ भी नहीं। इस मैच का फैसला बस इस बात पर होना था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज शाहीन अफरीदी को कैसे खेलते हैं। फर्स्ट ओवर वंडर शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर से पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करी, पिछले मैच के हीरो एलेक्स हेल्स उनकी अनबिलीवेबल बॉल खेल ही नहीं पाए और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस की शुरुआत अच्छी करी। लेकिन 2015 के बाद से जिस तरह की T20 क्रिकेट इंग्लैंड ने खेलनी शुरू करी है, उनकी एक खास बात है कि प्रेशर लेना ही नहीं है, लेना नहीं है बल्कि देना है। पहला विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखा, पावर प्ले में इंग्लैंड 49 बनाने में कामयाब रहा। लेकिन मेलबर्न की तरफ से बिग बैश खेलने वाले हैरिस रऊफ एक बार फिर चमके, उन्होंने अपने पहले स्पेल में 2 विकेट अपने नाम किए जिसमें से एक गेम चेंजर जॉस बटलर का था। बटलर के आउट होते ही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जो स्पेल फेंका है, इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन
गेंदबाज इस पेल है। खासकर 20 साल के नसीम शाह को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उनके फेंके गए आखिरी दो ओवर सिर्फ उनके और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के बीच थे। बीच में इंग्लैंड के बल्लेबाज उसको सूंघ भी नहीं पा रहे थे, इस प्रेशर की वजह से ब्रूक्स आउट हुए। बेन स्टोक्स के बल्ले पर भी गेंद नहीं आ रही थी। मामला आखिरी 5 ओवर में 41 रन तक आ गया था। अचानक से 6 का रिक्वायर्ड रन रेट 8 तक पहुंच गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट पाकिस्तान का साथ देने वाली किस्मत फाइनल में उनका साथ छोड़ गई। शाहिद अफरीदी अपनी आखिरी 11 गेंदें चोट की वजह से नहीं डाल पाए और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। वो ओवर पूरा करने के लिए इफ्तिखार चाचू को आना पड़ा और इसी ओवर में बेन स्टोक्स ने दिखा दिया कि उन्हें बड़े मैच का खिलाड़ी क्यों बोला जाता है। बेन स्टोक्स और आखिर क्यों बउआ है बेन स्टोक्स फैन क्लब का चीफ सेक्रेटरी के चाचू की उसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों में छक्का चौका मारकर बेन स्टोक्स ने इंग्लैंडियों की वापसी करा दी। फिर बची कुछ कसर मोइन ने पूरी कर दी। पाकिस्तान लड़ा जरूर, लेकिन इंग्लैंड फाइनल जीतकर T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। आपको बता दें कि मेंस क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी टीम है जो अब एक साथ वर्ल्ड कप की भी चैंपियन है और T20 वर्ल्ड कप की भी चैंपियन। वेल आपकी बच्ची रुल गई थी, दो तीन आउट हुए थे, मैं क्या आप नहीं जाने देंगे। लेकिन देखो भाई, एक स्कोर ही बहुत काम था क्योंकि बॉलिंग तो अच्छी करके लेकिन बेस्ट मैन नहीं, कोई भी नहीं चला। अगर पांड्या की तरह इधर से भी कोई एक 50 रन या 60 मार जाता ना, फिर स्कोर 150 बन जाता। बिल्कुल 150 का टारगेट और 137 इज नॉट अ वहां पे। बस यही था कि वो लोग अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है। इंडिया में ये था कि हमारी बैटिंग अच्छी थी मगर बॉलिंग अच्छी नहीं थी। पर एक डिफरेंस है कि अगर आप इनके रिएक्शंस देखो, पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, उनको अपनी हार का कोई गम नहीं है। हमें गम है अपनी हार का अभी तक। अभी देखते हैं, अभी जैसे मैं ये वीडियो देख रही थी तो इंग्लैंड जीता है तो मुझे फिर से फील हो रहा था कि हाय इंडिया नहीं आया। पर उन पाकिस्तान फाइनल में जाने के बाद भी इस बात पे नहीं है कि भैया हम फाइनल पे जाकर भी नहीं जीत पाए। उनको बड़ी खुशी है किस बात की, भैया हमने इंडिया को तो हराया ही है। इसी वजह से हमारा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है कि यार लड़ी है हमारी टीम, लड़ी है ना, लड़ती फिर हम लोगों ने, फिर तो हमने तो छोड़ना नहीं, हमने नहीं छोड़ना था सच में। सबसे पहले हमारे बॉलर्स ने हमारा गुस्सा शांत कर, हमारे बॉलर्स ने यार हमें, यार मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट है हमारे बॉलर्स के लिए और जो मेरी बैट्समैन के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। और इंडिया ने मतलब के बेशक जीरो पे, वो कहते हैं ना हार हार आ गए, तुम लोग कौन सा इधर से ऐसे हार के वर्ल्ड कप घर ले आए हो, भूतनी क्यों बातें आखिर इनका मुकाबला क्या, मुकाबला तो वो होता है कि ट्रॉफी उठाओ, ट्रॉफी उन्होंने उठा ली, वो जीत गए। इस बाबर आजम के बच्चे को पाकिस्तान में ना, इसको कैप्टनसी से निकालना है पूरे पाकिस्तान, इसको किसी ने छोड़ना नहीं है। आज फाइनली वर्ल्ड कप का जो एक कारवां खत्म हो चुका है, बहुत सारे हंसने के मौके मिले, बहुत सारे रोने के इमोशन, सब कुछ था, अपसेट भी देखने को मिला, वो भी देखने को मिल गया जो हम में से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। लेकिन यस, अब बहुत कुछ आने वाला है कि अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने वाले, अगला वर्ल्ड कप आने से पहले आई होप इंडिया फाइनल को 12 बना। लेकिन आज की हकीकत क्या, इंडिया को एक कोच भी नहीं है पक्का कंफर्म कि राहुल द्रविड़ परमानेंट कोच है या फिर वो भी नहीं है, वो भी बदल, कोच जब बदल रहा है तो टीम के प्लेयर्स की क्या बात करें। आई होप वक्त के साथ चीज़ें और भी सही होते रहे, तो होप करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप की। तो ये थी आज की हमारी मिक्स मैसेज रिएक्शन, आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक जो करें, चैनल सब्सक्राइब जो करें, मिलते दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।